हेलो एम गौरव एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सिविक्स एंड दिस टॉपिक इज़ डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी स्टूडेंट्स जब मैं डेमोक्रेसी बोलता हूँ या फिर जब मैं डाइवर्सिटी बोलता हूँ ये दोनों फैक्टर आपस में इंटरलिंक्ड फैक्टर है क्योंकि डेमोक्रेसी की सच्ची डेफिनेशन वही है जो अलग अलग डायवर्सिटी को अपने अंदर बहुत अच्छे से अकोमोडेट कर ले जैसे कि बेल्जियम ने किया था बट अगर आप श्रीलंका कंट्री के देखें तो क्योंकि वो अपनी डाइवर्सिटी को अच्छे से अकोमोडेट नहीं कर पाई तो फाइनली श्रीलंका के साथ बहुत बुरा हुआ क्योंकि श्रीलंका की दोनों कम्युनिटी आपस में सिविल वॉर में उलझ गई और फाइनली एक प्रोस्परस कंट्री देखते देखते एक कंप्लीटली शटर्ड इकोनॉमिक कंट्री में बदल गई मर इस सब की शुरुआत क्यों हुई कैसे हुई क्या हम सब इंसान एक जैसे पैदा होते हैं ऑफ कोर्स नहीं हर इंसान की एक अलग डिस्टिंगश क्वालिटी होती है एबिलिटी होती है डिसेबिलिटी होती है हर इंसान अपने आप में एक यूनिक होता है और हर सब इंसान अपने आप में अलग अलग क्वालिटीज़ को लेके पैदा होते हैं और हमको इस डिफरेंसेस के रिस्पेक्ट करनी चाहिए लेकिन जब डिफरेंसेस डिवीज़न में कन्वर्ट हो जाते हैं और डिवीज़न के साथ इनिक्वलिटी आने लगती है तब जाकर सोशल टेंशन क्रिएट होती है इस चैप्टर की शुरुआत होती है 1968 के मैक्सिको ओलंपिक्स के साथ हालांकि कोई पहली घटना नहीं थी इससे पहले बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई थी लेकिन मैक्सिको ओलंपिक ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ इसलिए खींचा क्योंकि इस ओलंपिक में कुछ ऐसा हुआ जो देखने को आमतौर पर नहीं मिलता इमेजिन कीजिए आप एक ओलंपिक चैंपियन है और अब आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए विनिंग पोडियम पर जा रहे हैं जहां पर आपको मेडल पहनाया जाएगा बुकेट दिया जाएगा और आपके देश का यू नो एंथम आपके बैकग्राउंड में बजेगा राष्ट्रीय झंडा लहराएगा यह बहुत प्राउड मोमेंट होता है बट मैक्सिको ओलंपिक में जब 200 मीटर के रेस के विजेता विनिंग पॉडियम पे आए और उन विजेता ने विनिंग पॉडियम में आने के बाद गर्व का नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट uh, अपने जेस्चर से शो किया पूरी दुनिया शॉक हो गई इन एथलीट्स का नाम था टॉमस स्मिथ एंड जॉन कार्लोस ये दोनों अमेरिका के नागरिक थे और ये दोनों अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी से बिलोंग करते थे इसके अलावा जो सिल्वर मेडलिस्ट थे पीटर नॉमन वो वैसे तो ऑस्ट्रेलियन थे वाइट थे बट फिर भी उन्होंने अपने शर्ट पे एक बैच लगाया हुआ था जो उन्हें सपोर्ट करने के लिए सिंबॉलिक uh, तौर पे दिखाता था ये दोनों अफ्रीकन अमेरिकन जॉन कार्लोस एंड टॉमस स्मिथ स्टेज पे गए और उन्होंने अपनी मुट्ठी को इस तरह से ऊपर किया और अपने सर को नीचे कर लिया इन्होंने शूज नहीं पहने हुए थे इनकी मुट्ठी में ब्लैक ग्लब्स था इनके गर्दन पे काला स्काफ था और अब हर एंगल से अगर आप इस पॉलिटिकल स्टेटमेंट को देखें पॉलिटिकल जेस्चर को देखें तो आप पाएंगे हर किसी का सिंबल अलग, अलग अलग था इनके पैर में जूते नहीं थे इनके पैर में सॉक्स थे ये ब्लैक पॉवर्टी को दिखाता है ये दिखाता है कि अमेरिका में जितने ब्लैक्स हैं वो सबके सब, सब पुअर है इसके अलावा जो उनकी मुट्ठी थी जो इस तरीके से था ऊपर की तरफ ये दिखाता है कि हम पुअर होने के बावजूद यूनाइटेड हैं हम हमें शक्ति है और अगर हम यूनिटी के साथ रहते हैं तो हम बहुत देर तक आपसे लड़ते रहेंगे कि भी गर्दन ये दिखाती थी कि ये जो भी अमेरिका में हो रहा है ब्लैक्स के साथ अत्याचार डिस्क्रिमिनेशन इसके लिए हमें बड़ी शर्म आती है अपनी कंट्री के ऊपर आप आपसे अगर मैं पूछूं कि क्या उन एथलीट्स ने सही किया अपनी हक की आवाज को उठाकर एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट को एक पॉलिटिकल जेस्चर को ओलंपिक स्पोर्ट्स में लाकर तो शायद कुछ लोग कहेंगे बिल्कुल सही किया और उन्होंने अपनी आवाज उठाई इसमें कुछ गलत नहीं है लेकिन अमेरिका के कुछ लोग ऐसा नहीं मानते थे उनका मानना था कि अगर अमेरिका की सोशल

ऑस्ट्रेलिया तो में उनका बहुत ज्यादा विरोध हुआ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका आपस में मित्र देश हैं और इसका विरोध यहां तक पहुंच गया कि जब ये सारे एथलीट्स अपनी अपनी कंट्री पहुंचे तो वहां की ओलंपिक कमेटीज ने फर्दर किसी भी ओलंपिक स्पोर्ट्स के लिए इन सबको बैन कर दिया इनके सर्टिफिकेट मेडल वापस ले लिए गए तो वहीं कुछ और कुछ ग्रुप ऐसे भी थे जिन्होंने इनको सम्मान दिया 2005 में सेंट जोस यूनिवर्सिटी ने पिट नॉमन एंड की ट्वेंटी फीट स्टैचू अपनी यूनिवर्सिटी कैंपस में लगाई ताकि छात्रों को इन लोगों से प्रेरणा मिलती रहे कि किस तरह से अपनी हक की आवाज उठाया जाता है लेकिन वो वो हक की आवाज थी क्या वो क्या बताना चाहते थे जाहिर सी वो बताना चाहते थे कि जो भी कुछ अमेरिका में 1954 को स्टार्ट हुआ था वो अभी अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पाया तो 1954 में हुआ क्या था तो हम बात करते हैं 1954 में होने वाले और 1968 में खत्म होने वाले एक बहुत ही महान मूवमेंट के बारे में जिसको हम बोलते हैं सिविल राइट मूवमेंट इस मूवमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट लीडर थे मार्टिन लूथर जूनियर ना मार्टिन लूथर जूनियर जो कि एक ऐसी शख्सियत थे जो महात्मा गांधी से काफी इंस्पायर्ड थे अब जो आदमी महात्मा गांधी से इंस्पायर्ड होगा जाहिर सी बात तो अहिंसा को फॉलो करेगा नॉन वायलेंस को फॉलो करेगा राइट तो मार्टिन लूथर जूनियर ने पूरी तरीके से इस मूवमेंट को नॉन वायलेंट रखा नाउ सिविल राइट मूवमेंट का मतलब समझिए आप सिविल राइट मूवमेंट का मतलब होता है अपनी हक की लड़ाई आपके जो भी पॉलिटिकल राइट्स होते हैं इक्वल वोट राइट और आपकी समाज में इक्वलिटी हो स्पेशली अपड के खिलाफ ये मूवमेंट था अपारथेड का मतलब होता है एक ऐसी racial discrimination पॉलिसी जिसके तहत आप सिर्फ इंसान से इसलिए डिस्क्रिमिनेट करते हो कि उसके स्किन का कलर आपके स्किन के कलर से मैच नहीं खाता वो ब्लैक है और आप वाइट ये ब्लैक लोगों की के लिए लोगों के लिए इतनी नफरत क्यों थी लोगों के मन में इसके पीछे कोई ऐतिहासिक तथ्य हैं शायद हैं फ्रांस अफ्रीका और अमेरिका इन तीनों अलग अलग कंट्री के बीच में ग़ुलामों का व्यापार होता था और अधिकतर तक अधिकतर जो गुलाम होते थे ये निगरो ब्लैक लोग होते थे अमेरिका में प्लांटेशन में काम करने के लिए जाते थे ये ब्लैक लोग और यहीं से ही जितने भी ब्लैक लोग थे उनके बारे में ऐसी धारणा बन गई कि ये वो लोग हैं जो स्लेव कम्युनिटी से आते हैं ग़ुलाम हैं हमारे हालांकि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें सभी लोगों के लिए जगह थी लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जगह होना और दिलों में जगह होना अलग अलग बातें हैं जब अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको एक्सेप्ट किया लेकिन लोगों की मैंटिलिटी में ये अभी भी गुलामी थे लोगों को लगता था कि ये जो ब्लैक लोग हैं ये हमसे इन्फीरियर हैं कमतर हैं और इसी सोच ने एक बहुत बड़े डिविजन को जन्म दिया रिमेंबर आई टोल्ड यू डिफ्रेंसिस डिवाइड्स समाइम So, differences ने उन्हें डिवाइड किया और इस डिविजन ने सोशल डिस्क्रिमिनेशन को जन्म दिया equality, I'm sorry, inequality को जन्म दिया और इस इनक्वेलिटी ने जन्म दिया civil right को जो किंग ने स्टार्ट किया था या लीड किया था ऐसा कह लेते हैं? क्या ये मूवमेंट वायलेंट हुआ yes, ये violent हुआ था 1966 से एक और मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जिसको हम बोलते हैं ब्लैक पावर यहाँ पर ब्लैक कम्युनिटी ने अपनी ताकत को दिखाने के लिए अपनी कम्युनिटी से आह्वान किया था कि अगर ज़रूरत पड़े तो वायलेंस का भी यूज़ करो अमेरिका में होने वाले बहुत सारे वायलेंट मोमेंट में से ये एक मोमेंट था जो काफ़ी हिंसक था बहुत वायलेंट था तो इन दो मोमेंट से हमें सीख मिलती है कि आप किसी कम्युनिटी को कुछ समय के लिए दबा सकते हो लेकिन हमेशा के लिए नहीं दबा सकते वो कम्युनिटी एक दिन आपके खिलाफ खड़ी होगी और हो सकता है कि पूरी दुनिया के सामने वो आपके शर्म हम सॉरी वो आपकी आपका आपकी नो, गर्व से भरा मस्तक शर्म से झुका दे तो फाइनली हम सॉरी फाइनली ये मोमेंट चला और अमेरिका के पॉलिसीज़ के अंदर बदलाव आए आज अमेरिका में जो राशल अब्यूज़ है उसे कानूनी तौर पर बहुत बड़ा अपराध माना गया है और ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि ये अपराध मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में होना चाहिए आपको अगर किसी इंसान के रेस से डिफ्रेंसेस से डिवीज़न यू नो डिवीज़न की बो आती है तो इट्स वेरी बैड मुझे लगता है कि हर इंसान इक्वल है और इस दुनिया में जो राशनल इक्वलिटी वो मेंटेन हर हाल में रहनी चाहिए लेकिन अगर हम ध्यान से इस चीज़ को एनालाइज करें तो हम ये पाएंगे कि ये सोशल डिविजन और सोशल डिफरेंसेस की शुरुआत होती क्या है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप पैदा हुए थे तो क्या ये आपके हाथ में था कि आप किस जेंडर में पैदा होंगे क्या आप मेल होंगे या फीमेल आई थिंक नहीं जब आप पैदा हुए तो आप ये डिसाइड कर सकते थे कि आपका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा आप कितने लंबे होंगे आप कितने छोटे होंगे आप काले होंगे या आप सांवले होंगे नहीं तो कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जो बाय बर्थ होते हैं तो जिसका ओरिजिन है अगर मैं मानता हूं कि कुछ डिफरेंसेस होते हैं उनके अलग अलग ओरिजिन हो सकते हैं लेकिन जो मेन ओरिजिन होते हैं वो बाय बर्थ होते हैं तो पहला जो डिफरेंसेस होता है वो होता है बाय बर्थ पीटोनॉमन एक वाइट था क्योंकि वह बाय बर्थ उसने एक ऐसे जन्म परिवार में जन्म लिया था जो ऑलरेडी वाइट था टॉमी स्मिथ का वर ब्लैक बिकॉज वर फ्रॉम ब्लैक कम्युनिटी हम लोग जब पैदा होते हैं तो हम अपने धर्म को हमारे माँ बाप को तय नहीं कर सकते यह हमारे जन्म पे ही तय हो जाता है कि हम किस घर में जन्म ले रहे हैं और हमारे माँ बाप कौन हैं वो अमीर हैं वो गरीब हैं वो किस धर्म से बिलोंग करते हैं वो किस जाति से बिलोंग करते हैं यह हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं हम अपनी चॉइस को कंट्रोल कर सकते हैं तो दूसरा जो ओरिजन होता है वो होता है बाई चॉइस आई हैव चूजन टू बी आर टीचर यू हैव चूजन टू बी अर आई आई ट और डॉक्टर और आर्मी ऑफिसर और एनी थिंग तो जब आप चॉइस करते हो अपनी लाइफ में और जब आप चॉइस करने के बाद एक मुकाम पर पहुँच जाते हो तो आप अपने अंदर डिफ्रेंसिस को मौजूद होते हुए देख सकते हो डॉक्टर्स इंजीनियर्स अलग होता है आप देख सकते हो डॉक्टर की एसोसिएशन अलग होती है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इंजीनियर्स की एसोसिएशन अलग होती है बट क्या ये डिफरेंसेस हमेशा डिवीजन को लीड करता है आई डोंट थिंक सो हर डिफरेंसेस डिवीज़न नहीं होता लेकिन कुछ डिविजन्स हमारे इंसानी इतिहास में इतने पुराने हैं कि इंसान अक्सर उन डिविज़न पे लड़ता रहा है और अधिकतर दुनिया में जो इतिहास अगर आप पढ़ें तो अधिकतर जो लड़ाइयाँ हुई है वो इन्हीं डिविजन्स की वजह से हुई है जो एक ज़माने में डिफरेंसेस थे लोगों ने इस डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट नहीं की और आपस में आ, सिविल वॉर क्रिएट हो गई अगर हम बात करें कि आ, क्या हर सोशल डिविशन और हर डिफरेंसेस कॉन्फ्लिक्ट में आता है डिपेंड करता है डिपेंड करता है कि क्या उसके अंदर एक एक्स्ट्रा फैक्टर इन्वॉल्व है फॉर एग्जांपल, एक कम्युनिटी में दो तरह के लोग रहते हैं एक हैं जो वाइट कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और एक है जो ब्लैक कम्युनिटी को यू नो बिलोंग करते हैं नाउ अंडरस्टैंड ये दोनों कम्युनिटी अलग है वाइट अलग है ब्लैक अलग है लेकिन अगर ब्लैक कम्युनिटी के अंदर एक्स्ट्रा एडिशनल फैक्टर इंक्लूड हो जाता है कि अगर वो गरीब है तो फिर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पर दो फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं एक तो काले हैं दूसरा वो गरीब है एक वो गोरे हैं और वो अमीर है तो ये दोनों फैक्टर एक दूसरे की मैंटेलिटी में इस तरह से बैठ जाता है कि आपस में कभी यू you नो know, एक साथ नहीं हो सकते तो इनके एक साथ नहीं होने की वजह से जब आपस में कम्युनिटी मिलती नहीं है इंट्रैक्शन नहीं करती तो ये डिफरेंसेस और ज़्यादा गहरे होते जाते हैं और एक कोई इंसिडेंट होता है जैसे वो स्पार्क होता है तुरंत कम्युनिटी टेंशन राइट्स में बदल जाते हैं वॉलेंस में क्रिएट हो जाते हैं और कई बार ये पूरे समाज के लिए देश के लिए यू नो सेप्रेशन का कारण भी बन जाते हैं 1947 इंडिया एंड पाकिस्तान राइट तो फिर क्या क्या रीज़न्स हैं इस सोशल डिफिजन के तो पहला जो रीज़न है कोर्स वो है बाय बर्थ जैसा कि आप देख सकते हो दूसरा रीज रीज़न है बाय चॉइस एज आई told यू कि बर्थ के जो हैं, उन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते आप ये नहीं कंट्रोल कर सकते कि मेरा जहाँ बर्थ हो रहा है वहाँ मुसलमान फैमिली रहती है हिंदू फैमिली रहती है कैथलिक रहती है प्रोटेस्टेंट रहती है यू के नॉट डिसाइड दैट

ये दुनिया का सबसे ज्यादा सोशल टेंशन क्रिएट करने वाला फैक्टर है यहां तक कि कई कंट्री ने अपने आपको ऑफिशियल एक पर्टिकुलर धर्म से संबंधित बताया हुआ है पाकिस्तान ऑफिशियल इस्लामिक रिपब्लिक है राइट सो कई फैक्टर ऐसे हैं लेकिन उन सब फैक्टर में जो सबसे ज्यादा बड़ा फैक्टर है वो है रिलीजन तो रिलीजन एक ऐसा फैक्टर है जहां पर समाज में इतिहास में बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं और इस लड़ाइयों का कोई फल नहीं निकला आज भी लोगों की सोच अपने रिलीजन को लेकर इतनी रिजिट है कि उन्हें लगता है कि उनका रिलीजन दूसरे रिलीजन से महान है और उनके रिलीजन को दूसरे रिलीजन के ऊपर राज करना चाहिए और ये जो मैंटिलिटी है इस मेंटलिटी के साथ जो कम्युनल राइट्स होते हैं उसे कम्युनलिज्म कहा जाता है जो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे तो अब चौथा फैक्टर आता है वो है इकोनॉमिक स्टेटस इकोनॉमिक स्टेटस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है ये इतना बड़ा फैक्टर है कि अगर दो भाई एक ही फैमिली में रेज हुए हैं और दोनों का इकोनॉमिक स्टेटस अलग अलग है तो शायद ये डिफरेंसेस डिवीजन में कन्वर्ट हो सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली रिच ब्रदर को लगता है कि मैं पुअर ब्रदर से बहुत अलग हूँ मेरी चॉइस अलग है मेरा स्टैंडर्ड अलग है मेरा स्टेटस अलग है और मेरी सोशल हैर भी अलग अलग है तो ये जो डिफरेंसेस है ये डिवीज़न में कन्वर्ट होता है और डिवीज़न कन्वर्ट होता है कॉन्फ्लिक्ट के अंदर और कॉन्फ्लिक्ट परिवार को तोड़ देता है तो फाइनली आप देख सकते हैं कि अगर कोई देश इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट से लड़ सकता है इसे एकोमोडेट कर सकता है तो ही वो सच्ची डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ सकता है अदरवाइज़ किसी भी देश को अपनी कम्युनिटी के साथ अकोमोडेट ना करते हुए अगर वो आगे बढ़ता है तो पहली बात तो उसका आगे बढ़ना मुश्किल है दूसरी बात हो सकता है आगे बढ़ने के बजाय वो कंट्री और टुकड़ों में बिखर जाए और वो कभी आगे ना बढ़ पाए तो so फाइनली अगर हम समाज की बात करें अगर आप कंट्रीज़ की बात करें तो मैं दो तरह के सोसाइटी की एडवोकेसी uh, कर सकता हूं एज पर सोशल साइंस वो दो सोसाइटी है एक क्रॉस कटिंग दूसरी ओवरलैपिंग तो लेट्स डिस्कस व्हाट इज ओवरलैपिंग सोसाइटी एंड व्हाट इज क्रॉस कटिंग सोसाइटी सो इफ यू लुक एट द ओवरलैपिंग सोसाइटी एज द नेम सजेस्ट इन दिस काइंड ऑफ सोसाइटी वन कम्युनिटी कंप्लीटली ओवरलैप्स दी अदर्स completely dominates the others and it is called overlapping society for example a country have two community right now these two community are different from each other but now one more difference attached to और दूसरे रिलीजन के लोग अमीर होते हैं तो पहला जो डिविजन है वो है रिलीजन का और दूसरा फैक्टर जो एडिशनल है वो है इकोनॉमिक स्टेटस का नाउ यह जो सोसाइटी है आपको क्या लगता है इस सोसाइटी में मेन डोमिनेशन किसका होगा ऑबियस वो सोसाइटी जो अमीर है प्लस वो जो सोसाइटी जो दूसरे धर्म को बिलोंग करती है वो सोसाइटी दूसरी सोसाइटी को पूरी तरीके से डोमिनेट कर लेगी ऐसी सोसाइटी को हम ओवरलैपिंग सोसाइटी कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पर hmm. एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप नाइन्थ का चैप्टर याद कीजिए जहाँ आप अपने हिटलर के बारे में पढ़ा था और उसने पढ़ा था कि किस तरीके से नासी पार्टी के लोगों ने जूश को एक सेपरेट एरिया में रहने पर मजबूर कर दिया था और उनके इकोनॉमिक स्टेटस को पूरी तरीके से छीन लिया था तो ऐसे केस में आप कह सकते हैं कि नाजीस ने जोश को पूरी तरीके से डोमिनेट कर लिया पूरी तरीके से ओवरलैप कर लिया तो ऐसी सोसाइटी जहाँ पर एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी को ओवरलैप कर लेती है उसे हम कहते हैं ओवरलैपिंग सोसाइटी टेक अ केस ऑफ नदन आइलैंड वहां पर अगर आप कैथलिक हो तो आप हंड्रेड परसेंट पुअर हो

कि वो गरीब है या अमीर नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर कैथलिक अमीर भी हैं गरीब भी वहाँ पर प्रोटेस्टेंट अमीर भी हैं और गरीब भी हैं तो ये जो आपस के फैक्टर हैं एक दूसरे को क्रॉस कट कर रहे हैं एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर हर तरह के लोग और हर तरह के इकोनॉमिक स्टेटस है वो सोसाइटी क्रॉस कटिंग सोसाइटी कहलाती है राइट right? तो क्रॉस कटिंग सोसाइटी हमारे समाज के लिए हमेशा से हेल्दी होती है इमेजिन करिए एक ऐसे सोसाइटी जहाँ पर सिर्फ मेहनत के आधार पर आपका इकोनॉमिक स्टेटस डिसाइड होता हो ना कि आपकी जाति के आधार पर तो फिर उस सोसाइटी में सभी जाति के लोग अमीर भी होंगे और गरीब भी होंगे ऐसी सोसाइटी में कोई एक पर्टिकुलर कास्ट दूसरे कास्ट को डोमिनेट नहीं कर सकती और ना दूसरा इकोनॉमिक स्टेटस दूसरे इकोनॉमिक स्टेटस को डोमिनेट कर सकता है क्रॉस कटिंग कल्चर आर द बेस्ट कल्चर इन विच ह्यूमन कैन सर्वाइव एंड अकोमोडेट ईच अदर राइट इसके अलावा कई सोसाइटी ऐसी हैं जो होमोजेनस सोसाइटी है होमोजेनस सोसाइटी का मतलब होता है एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर एक ही तरह के एथनिक ग्रुप रहता हो जैसे कि जर्मनी बट आज का जो कॉस्मोपोलिटन कल्चर है ग्लोबलाइजेशन hmm. का कल्चर है वहाँ पर हमारे समाज के बीच में इतना ज़्यादा इंट्रेक्शन हो गया है आ, हम लोग माइग्रेट और इमिग्रेट इतना ज़्यादा करने लगे कि कोई भी सोसाइटी अब पूरी तरीके से होमोजेनस सोसाइटी नहीं है जैसे कि जर्मनी एक समय पर नॉर्डिक आर्यस की कंट्री हुआ करती थी बट जैसे जैसे जर्मनी का इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ा वो ग्लोबलाइजेशन के यू नो वेब में आया वहाँ पर लोगों का इन्फ्लैक्स बढ़ा वहाँ पे लोगों ने रहना शुरू किया वहां के संविधान को चेंज किया और अब जर्मनी एक होमोजेनस सोसाइटी नहीं रही अब इनफैक्ट सॉरी दुनिया की कोई भी कंट्री अब होमजेनस नहीं है हर कंट्री में मिक्सचर ऑफ पीपल मिक्सचर ऑफ ब्रीड लिव टुगेदर एंड इफ दे रियली वांट टू सरवाइव देयर डेमोक्रेसी दे हैव टू लिव टुगेदर एंड दे हैव टू अकोमोडेट दैट्स वॉट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट सो इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट द मैक्सिको ओलंपिक्स केस स्टडी वी स्टडीड अबाउट द ओरिजिन ऑफ डिफरेंसेस वी हैव स्टडीड अबाउट द रीजन ऑफ Differences, reason of political divisions, social divisions, and we also studied about the type of society we live in. I hope that you like this chapter and rest. We can discuss it in the next part. Thanks a lot.